सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स। आज फिर हम एक बार अपने स्टूडेंट्स के साथ एक ट्रेड फेयर विजिट करने आए हैं और ये ट्रेड फेयर है टॉयज़ का। तो देखते हैं टॉयज़ हमारे काम की चीज़ है या नहीं। बनी रही हमारे साथ और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए, कहने पर जो इतनी वास्ट प्रोडक्शन हो जाती है कि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो वॉल्यूम सब बिका कंप्यूटिंग नहीं हो पाता। अब ये जो कैटर कर रहे हैं ये इतने लोकल मार्केट पर कर रहे हैं, जहाँ पर जितने स्टॉल्स हैं मैक्सिमम स्टॉल्स जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का माल दे रहे हैं, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, उन्होंने अपने अपने बना रखे हैं। एंड ऑफ द डे आ जाके सारी बात वही है, जो प्लास्टिक का जो दाना है अगेन इट इज बी कंट्रोल्ड बाय मोनोपोली। वहाँ पे दाना सस्ता मिल गया पेट्रोलिंग, बेसिकली जो प्लास्टिक का दाना है वो भी पेट्रोलिंग प्रोडक्ट है, पेट्रोल बाय प्रोडक्ट है। जहाँ पे वो सस्ता मिलेगा वहाँ से वो क्या जो बल्क में ज़्यादा लेगा उसको बेटर रेट। एक मैनुफैक्चर है उसने आप 50 डिज़ाइन बना के रखे हुए, ठीक है सर, काम करता है, धंधा चल रहा है उसके, वो क्वालिटी वो लेवल पे नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम इस बार द बेस्ट मशीन इंजेक्शन वोल्ट मशीन होती है, बेस्ट मशीन वो जो होती हैं वो यूनिवर्सल जो बेस्ट मशीन होती हैं जर्मन इंजेक्शन वोल्टिंग की होती है, उसने वो भी मंगा कर रखी है। जब दाना ही गलत है मंडी गलत है वहाँ पर कॉस्ट कटिंग करें। उनका वक्त आने ही वाला है और उससे पहले जितने भी गेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं जो अपने आप को हमारे साथ रजिस्टर करवा रहे हैं वो अपना लकी ड्रॉ कूपन रजिस्ट्रेशन डेट से लेकर लकी ड्रॉ बॉक्स में डाल सकते हैं। हो सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एप 1881 US में ऐसे सेंटर्स हैं, US में ऐसे मूवीज बन चुकी हुई जिसके ऊपर जिसमें मतलब 13 साल का बच्चा ले लिया स्कूल से
उसको बिठा दिया, उसको उसको लाखों रुपये दे दिए उसके माँ बाप को, उसको सर उससे बैठा बताया तो क्या तुझे किससे खेलना है, मतलब उसके वो ऑलरेडी गेमर है या वो ऑलरेडी एक्टिव बच्चा, बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चा, उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हुई हैं, बहुत सारे टॉयज देखे देते हैं पहले से, और वो टॉयज में से खम्भे में निकालता है वो जो टॉय अच्छा लगता है उसकी बढ़िया उसका या मूवी या डॉक्यूमेंट्री बनाना, बिग बिग इंडस्ट्री सोर्सिंग क्या है, फिर आ जाके मैन्युफैक्चरिंग हब्स क्या है जहाँ पे तुम्हें इंपोर्ट करने में एक्सपोर्ट करने में दिक्कत कम है, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, मैन्युफैक्चरर्स ऐसे भी हैं जो कि छुप के काम करते हैं जो नहीं आ पाता, द होल ऑफ इटली द होल ऑफ स्पेन इज़ वर्किंग विद अंडरग्राउंड माफिया, वो एक्सपोज ही नहीं करता अपने आप, जितने प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं आज लॉन्च हुआ वो दो दिन बाद उन्हें पता हमने अगर 1000 पीस बनाया तो हमारा उसके 10000 पीस का माल ऑलरेडी बन चुका है इटली में और स्पेन में, वहाँ से अंडरग्राउंड माल भेज सकते हैं मार्केट में थ्रो कर सकते हैं, वो आप सोर्स नहीं कर सकते बट देयर ऑल्सो एक्सेसिबल पकड़ सकते हैं। आज के डेट में गफार दिल्ली दिल्ली की बात करो, आज के डेट में गफार सदर बाजार सब सब जगह ये हो रहा है, दो नंबर का माल वहाँ के सारा पहली जगह करोड़ बाद।